रहे हैं, हम ट्रॉली में बैठ गए हैं। अब मैं आप सभी को माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए ले चल रही हूँ, और यहाँ के लिए रोप वे भी चलती है। और ये जो रोप वे है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप मनसा देवी दर्शन करने के बाद यहाँ से हर की पौड़ी भी जा सकते हैं, जो कि 800 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ से पैदल का ट्रैक भी है, तो अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप आराम से, जो मतलब जो भी ट्रैकिंग के शौकीन है, वो पैदल ट्रैक करते हुए जा सकते हैं माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। अब हम आ पहुंचे हैं मनसा देवी के लिए, जहाँ से रोप वे चलती है। और ये है रोप वे का टिकट काउंटर। और यहाँ पर मनसा देवी के लिए अगर आप रोप वे से जा रहे हैं तो 122 रुपए का टिकट है पर पर्सन, और वो भी राउंड ट्रिप, मतलब आना और जाना दोनों है यहाँ पर। तो चलिए पहले मैं ले लेती हूँ टिकट रोप वे के लिए। तो जैसा ये आप सामने भी देख पा रहे हैं, टिकट रेट चार्ट है। नॉर्मल टिकट है 122 रुपए, मैंने आपको बताया है मनसा देवी के लिए। अगर आप चंडी देवी और मनसा देवी के साथ में दर्शन करना चाहते हैं तो उसके हैं 314 रुपए पर पर्सन फॉर एडल्ट। और बच्चों के लिए भी यहाँ पर अलग से टिकट है। तो अगर यहाँ पे एक चार्ट नीचे मेंशन किया गया है, मतलब हाइट है ये 110 सेंटीमीटर की, अगर बच्चे की हाइट है उससे नीचे की हाइट है अगर बच्चों की, तो हाफ टिकट लगेगा। मनसा देवी का टिकट है 60 रुपए, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, और चंडी देवी के लिए है 97 रुपीज। और अगर 110 सेंटीमीटर से ऊपर है बच्चे की हाइट तो फुल टिकट लगेगा उन दोनों के लिए। मतलब चंडी देवी में है 193 रुपीज था, और यहाँ पर है 122 रुपए। तो दोस्तों, हमने यहाँ से टिकट ले लिया है और चलिए चलते हैं यहाँ से मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। मनसा देवी दर्शन करने के लिए आप पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं, और ये जो ट्रैक है 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो भी ट्रैकिंग के शौकीन है वो माता मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं पैदल जाके। और ये है वो रास्ता जो सीढ़ियां आप देख रही हैं, अभी ये कुछ मतलब 10-15 सीढ़ी है, उसके बाद प्लेन हो जाएगा। तो चढ़ाई है 2.5 से 3 किलोमीटर, आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। और इसके बिल्कुल बगल में ही है ये है रोप वे का एंट्रेंस। तो अब आपकी मर्जी है, आप या तो पैदल ट्रैक कर सकते हैं या आप यहां से रोप वे के लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं चल रही हूं रोप वे से माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। अभी मैंने आपको चंडी देवी माता के दर्शन कराए थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि मास्क कंपलसरी है। और यहाँ पर भी अगर आप मनसा देवी के दर्शन करते हैं तो यहाँ पर भी मास्क कंपलसरी है। तो जब भी आप यहाँ पे आए तो मास्क के साथ जरूर आए। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे और माता मनसा देवी के दर्शन आपको कराते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन लगी है रोपवे में, तो मैं वेट करती हूँ अपने नंबर का। ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मनसा देवी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है मंदिर, तो आई थिंक 5 मिनट में हम ऊपर पहुंच जाएंगे मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। और आप जहाँ पर मैं बैठी हूँ बिल्कुल मेरे पीछे आप पूरा अभी व्यू देखते हुए चलेंगे, और हो सकता है कि आप देखिए पूरा का पूरा जो आप व्यू देख रहे हैं पूरा हरिद्वार
सिटी है, मतलब पूरा हरिद्वार दिख रहा है यहाँ से। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो मनसा देवी है वो कौन थी। पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं मनसा देवी के लिए। कहा जाता है कि जो मनसा देवी है वो नागों के देव वासुकी की बहन है, अतः इनका नाम वासुकी भी है। और कहा जाता है कि ये सर्पों की जो है देवी है और उसी रूप में इनको पूजा जाता है और ये विष से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कल मैंने आपको चंडी देवी के दर्शन कराए थे और बताया था कि वो सिद्ध पीठ है देवी, और ये भी एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पर भी लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नत लेके, और अवश्य ही सच्चे मन से जो यहाँ मन्नत अपनी मांगता है अवश्य ही पूरी होती है। और ऊपर मैं आपको एक वृक्ष दिखाऊंगी जहाँ पर धागा बांधा जाता है, मतलब मन्नत का धागा बांधा जाता है, और जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उस मन्नत के धागे को खोलने के लिए वापस आना होता है। चलिए मैं आपको यहाँ से एक दृश्य दिखाती हूँ कि कैसा है ऊपर से ये पूरा का पूरा व्यू दिख रहा है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हरिद्वार ऊपर से दिख रहा है और साथ ही साथ माँ गंगा के भी दर्शन हमें हो रहे हैं और ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं 2 मिनट में ऊपर। पैदल चल के आ रहे हैं तो ये है वो रास्ता। तो खैर फिलहाल हम तो आए हैं रोपवे से, तो हम चलते हैं इस ओर। हम ऊपर रोपवे से आ चुके हैं और ये है प्रांगण जहाँ पर आप मनसा देवी के लिए प्रसाद और चुनरी ले सकते हैं। बाई चांस अगर आप नीचे भूल गए हैं प्रसाद लेना तो यहाँ ऊपर आकर आप प्रसाद ले सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक कैंटीन भी है जहाँ पर आप सुबह का नाश्ता या लंच आराम से कर सकते हैं। तो अब मैंने प्रसाद ले लिया है और यहाँ से चलते हैं मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। और देख सकते हैं ये है द्वार, मतलब ये है प्रवेश द्वार जहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे। मनसा देवी के चरण है, चरण पाद, तो इनके पीछे होंगे जब परिक्रमा हम पूरी करेंगे। ये है शीतला माता मंदिर। पंडित जी ये क्या है, हवन कुंड? मनसा देवी का यज्ञ कुंड है, यहाँ पर आहुति डाली जाती है माता के नाम। अभी पंडित जी ने बताया है ये है मनसा देवी जी का हवन कुंड, यहाँ पर वो हवन किया करती थी।
देख सकते हैं, ये अभी उन्होंने बताए थे पंडित जी ने, ये हैं उनके चरण। धन्यवाद पंडित जी। लाइन से आओ, अब हम आ पहुंचे हैं मनसा देवी के द्वार पर और आप सभी दर्शन कर लीजिए माँ मनसा देवी के। जय हो माँ, जय हो माँ मनसा देवी, जय माता मनसा देवी। ये है पंचमुखी भोलेनाथ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सदा सौभाग्य विरोधन पुत्र संतान मन की इच्छा होती है।
भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे प्यारी पुत्री जिनका नाम था मनसा देवी, और पुराणिक कथाओं में कहा जाता है कि माँ कश्यप ऋषि के मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम मनसा पड़ा। और इन्होंने घोर तपस्या करके इन्होंने देवी की उत्पत्ति हासिल की, तो तब से सब लोग इनको मनसा देवी के नाम से जानते हैं और दूर दूर से लोग माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। विराजमान है, मतलब नौ देवियां जो हमारी हैं तो चारों तरफ है, और जब आप परिक्रमा करके आते हैं तो बिल्कुल परिक्रमा के एंड में ही भैरव बाबा को विराजमान किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। अभी मैंने आपको मनसा देवी के दर्शन कराए थे अंदर, तो वहाँ पे आपने जो नीचे की तरफ देखा था वो थी मनसा देवी, और उनके पीछे जो थी वो थी पंचमुखी गायत्री माता, और यहीं पे मुझे एक पंडित जी मिले हैं, तो वो आपको विस्तार में मनसा देवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो बात करते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, नाम बताइएगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भीड़ है तो शायद मेरे व्यूज ना सुन पाए, तो थोड़ा सा आपको जोर बोलना पड़ेगा। तो आप बताइए मनसा देवी के बारे में क्या मतलब मान्यता और कथाएं हैं। माता मनसा देवी दुर्गा मंदिर का स्वरूप है, महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर मर्दनी का मर्दन करने के बाद में यहाँ पे मां ने अपना स्थान किया। देवताओं की मन की छठना मनसा मानता है, जो यहाँ पर श्रद्धालु भक्त आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और संकल्प हेतु धागा बांधते हैं, धागा बांधने से मनोकामना इच्छा पूरी होती है। और जो नीचे दो मूर्ति हैं उसे हम प्रकट की मूर्ति है माता, हाँ माता मनसा देवी और महिषासुराक्षस ब्लैक में, और ऊपर में पंचमुखी वेद माता गायत्री देवी हैं जिनकी स्थापना हुई है बलि प्रथा को रोकने के लिए, जहाँ जो माँ गायत्री जी की स्थापना होती है होती है। तो आप विराजमान हुई है, और अब कहा जाता है कि बलि तो नहीं होगी लेकिन बलि के रूप में अब लोग यहाँ पर मतलब जो भक्तजन है वो नारियल चढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। ये है मनसा देवी के यहाँ पर कैंटीन, और अगर आप रोप वे से आते हैं मतलब मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं
और दर्शन करते हुए वापस आते हैं ऊपर की ओर। तो ये बीच में कैंटीन बनाई है, तो आप यहाँ पर अपना खाना खा सकते हैं और यहाँ पर ऑब्वियसली कैंटीन है तो आप यहाँ पर भी कुछ लेके खा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक शॉप है, अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए यहाँ से कुछ ले सकते हैं। करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लोकेशन पर।